May I come in? ये बात है उस जमाने की जब धरती पर कुछ काली शक्तियों भटकती आत्माओं का साया मंडरा रहा था। चारों ओर इन काली शक्तियों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। पाप और जुर्म अपनी चरम सीमा पर थे। इस आतंकवाद की सरगढ़ा और कोई नहीं, महान खलनायक टोनी कक्कड़ था। इसने अपने गानों लेड लेड मेरी कपी केक है, केक है, केक है, नंबर नंबर एक है, एक है, एक है, कुड़ी तो चाक। ओई मा बूटी बूटी धीमे धीमे नाच मेरी लैला, जैसे देखी तो खोल दूंगा अम्ब्रेला। नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला, नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला। पहले गुजारिश है बेबी तेरी बूटी 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 बूटी। हजारों लाखों करोड़ों सॉन्गों से आम जनता के कानों से खून की नदियां बही। लेकिन धरती जब टोनी कक्कर के गानों के खौफ से जूझ रही थी, तभी एक महान सम्राट, महानायक, योद्धा जन्म ले चुका था, जो आगे चलकर इन गानों का नेतृत्व करने वाला था। वो और कोई नहीं, श्री श्री 1008 श्री महाराज गुरु रंधावा जी महाराज, जिसने टोनी भैया की तरह बार बार रिपीट होने वाले शब्दों का यूज करके अपने महाराज टोनी कक्कर को खुश करने के लिए लगातार दो गाने निकाले, जिसमें नाथ मेरे रानी और डांस मेरी रानी शामिल थे। नहीं है क्यों बोल रहा हूँ कि गुरु रंधावा उन्हीं का गाँव उसी से है कि नाच मेरी रानी और डांस मेरी रानी 3.5 मिनट के गाने, 3.5 मिनट में से 1 मिनट का डांस मेरी रानी, नाच मेरी रानी साउंड को ही बार बार रिपीट किया गया है। नाच 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 लिखा है।